कहिए कैसे हैं आप। हाउ टू डील विद अनोइंग पीपल। देखिए, जो अनोइंग या इरिटेटिंग लोग होते हैं ना, वो लगभग हर जगह मिल जाते हैं। जैसे कि घर में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, या फिर हमारे जो वर्क प्लेस है जहां हम काम करते हैं वहां पर, इस तरह के लोग अक्सर हमें दिख जाते हैं। ज़रूरत इस बात को जानने की है कि इनसे डील कैसे करें, क्योंकि इनको देखते ही हमें इतना गुस्सा आ जाता है, फ्लेयर अप हो जाते हैं, मतलब समझ नहीं आता कि क्या करें। तो वही मैं आपको आज बता रही हूँ कुछ बातें कि ऐसे लोगों से किस तरह से हमें डील करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उनको समझें। समझें कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए, मेरी एक नेबर है, मेरी एक पड़ोसन है, और उनकी काम वाली बाई और मेरी काम वाली बाई सेम है। मैं आपको एक एग्जाम्पल ही बता रही हूँ। तो जब भी काम वाली बाई उनके घर आती है ना, मेरे जो नेबर हैं उनके घर आती है, तो वो वहाँ पे उनको बिठा के रख लेती है और आधा आधा घंटा उससे बात करती है। वो चीज़ मेरे लिए बहुत अनॉइंग या इरिटेटिंग हो जाती है। ऐसे ही जैसे ऑफिस में मेरे साथ मान लीजिए कोई काम करते हैं, उनकी टेबल मेरी टेबल से बिल्कुल लगती हुई है। वो जब भी आते हैं, मतलब ऑफिस में जब भी सीट पर आते हैं, आते ही फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। मतलब फ़ोन करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी की, इधर की उधर, उधर की इधर। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है। या मेरा एक फ्रेंड है, वो हमेशा ही मेरी गलतियां भी निकाले जाएगा, नेगेटिव भी बोले जाएगा, मतलब ये वो हमेशा ही करता है। तो सबसे पहले तो हमने समझा ऐसे लोग क्या करते हैं, इस तरह से समझा, और फिर हमने जाननी है इसकी वजह। जैसे कि मान लीजिए जो नेबर है मेरी, वो हमेशा काम वाली बाई के साथ बैठ के बातें करती रहती है, तो उसने बचपन से ही ऐसे देखा है। मतलब उनके घर का माहौल ही ऐसा था, वो उसने ऐसा ही देखा है, इसलिए वो ऐसा ही करती है। अब जो कुलीग हैं जो हमेशा फ़ोन पे बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनकी ये नेचर से कोई इरिटेट भी हो रहा है, किसी को बुरी भी लग रही है, ये उनकी ये जो आदत है किसी को बुरी लग रही है, उनको पता ही नहीं इस बात का। और एक जो मेरे फ्रेंड हैं, हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, तो कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी नेगेटिव बोलती हूँ, मैं भी इधर उधर की बातें करती हूँ, कहीं रीजन ये तो नहीं है। तो मतलब हमने ना सारी तह तक जाना है, मतलब इस बात की जड़ तक जाना है कि आखिर ये जो सामने वाला ऐसा कर रहा है, ये किस वजह से कर रहा है। मतलब हो सकता है उनको पता ही ना हो सकता है हम कह के वो चीज़ ठीक कर दें, या हम ये मान के चले कि उनकी नेचर है। अब आप ये सोच रहे होंगे, नहीं वो तो जो आपके माइंड में चल रहा है कि नहीं वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तो ये मान के चलते हैं उनकी नेचर है। वो नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ दूसरे को इरिटेट भी करती है, उनकी नेचर है। अब क्या करें, अब हमने काम लेना है बहुत समझदारी से। समझदारी से मतलब कि हमें शांत होके रिएक्ट नहीं करना, मतलब बिल्कुल कूलली, कामली, पेशेंटली हैंडल करना है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब हुआ कि हमेशा हम ही चुप रहे, हम कोई कमज़ोर थोड़ी रहे, हम क्यों शांत रहे। मतलब होता है ना, माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि हम किस लिए शांत रहे, शांत रहने का मतलब है हम कमज़ोर हैं। नहीं, शांत रहने का ये मतलब है कि आप समझदार हैं, आप सिचुएशन को बहुत समझदारी से हैंडल कर रहे हैं। कई बार समझदारी इस बात की भी होती है कि ज़्यादा समझदारी ना दिखाई जाए, वो हम कर रहे हैं। हमें अपना भी तो ख्याल रखना है, हम इरिटेट होंगे, हम फ्लेयर अप हो जाएंगे, हम गुस्से में बोल देंगे, तो किसका नुकसान है। वो बोल रहा है, उसकी नेचर है, चलो हम उसके बारे में एक एक चीज़ करके सोच रहे हैं। पहले हमने सोच लिया, हो सकता है उसको रीज़न ही ना पता हो सकता है वो जानता ही ना हो इस बारे में, हमने उसको जता दिया, अलग अलग पॉइंट्स कर रहे हैं ना हम, पर हम खुद को ही नुकसान कर लेंगे, ये कहाँ की समझदारी है। तो हमें अगर अपना भला चाहिए, अपने लिए अगर हम अच्छा सोच रहे हैं ना, फिर हमने रिएक्ट नहीं करना। हमने ना इस तरह से भी करना है कि हमने लॉन्ग टर्म सोचना है। लॉन्ग टर्म कैसे, कि जैसे शॉर्ट टर्म क्या हुआ कि किसी को देखकर मैं बहुत इरिटेट होती हूँ, कोई बहुत अनॉइंग है, तो मैं क्या करती हूँ, उसकी बुराई करनी शुरू कर दी, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मैंने इस तरह के काम करने शुरू कर दिए। ये चीज़ क्या हुई, ये शॉर्ट टर्म हुई। शॉर्ट टर्म में क्या हुआ कि बात हुई और मैंने तुरंत रिएक्ट कर दिया, गुस्सा कर दिया, रिएक्ट कर दिया, इससे क्या हुआ। अब आप बिल्कुल ध्यान से सोचेगा, इससे क्या हुआ, लंबे समय तक इससे क्या होगा, इसके क्या पॉइंट्स होंगे कि हमारी बोलचाल बंद हो जाएगी, हमारे आपस में रिश्ते हैं उनमें खटास पड़नी शुरू हो जाएगी, तो उससे हम टेंशन में आ जाएंगे।
तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमने या तो बोल दिया, जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं ना, नहीं ठीक है हम चुप रहेंगे, पर हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, हमारे एक्शंस ऐसे हो जाते हैं, वो गड़बड़ करते हैं। एक्शंस कैसे, जैसे कि कोई हमें इरिटेट कर रहा है तो हम आंखें निकाल रहे हैं, मतलब घूर घूर के उसको देख रहे हैं, और या फिर बड़बड़ा रहे हैं, जैसे होता है ना कई बार बहुत गुस्सा आता है तो बड़बड़ बड़बड़, मतलब क्या क्या चीज़ें बोल जाते हैं, बड़बड़ बड़बड़। अच्छा, फिर हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लेडी किचन में काम कर रही है तो ऐसे जोर जोर से उठा पटक करेगी, या किसी और को चिल्लाने लग जाएगी, किसी और पर गुस्सा निकालने लग जाएगी, ये हमारे एक्शंस होते हैं। तो हमने इस पर भी कंट्रोल करना है, इस पर भी कंट्रोल करना, मतलब ये नहीं है कि हाँ हम चुप रहे पर हमारे एक्शंस ऐसे हो रहे हैं, वो भी गलत है। वो भी तो जता रहा है ना कि हाँ आपको ये चीजें इस तरह की इरिटेट कर रही हैं, आप खुद हो रहे हैं अब सामने वाले को देख के, तो इस चीज पर भी कंट्रोल करना है। फिर हमें अपनी बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए कि हमने किस लिमिट तक बात करनी है, किस लिमिट तक देखना है। जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें जो नंद है वो बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इरिटेट करती रहती है, बात बात पर इरिटेट करती रहती है, तो उससे कितनी दूरी बना के रखनी है। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक पड़ोसन है, वो जब भी आती है वो इस तरह की बातें पूछती है कि बहुत इरिटेशन होती है, बहुत गुस्सा आता है, क्या जैसे कि तुम्हारी शादी कब हो रही है, अब तो इतनी बड़ी हो गई, कब करोगी शादी, तो ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है, तो क्या करना चाहिए। ऐसे में देखिए, जहां तक कोई इस तरह की बात कर रहा है तो एकदम से कोई बहाना बना गया, जैसे कि फोन हाथ में होता है कि कोई फोन आ गया, मैं अभी आती हूं या अभी आता हूं, एक बार ये जरूरी काम है, एक्सक्यूज मी कहकर वहां से निकल गए। अच्छा, फिर अगर लग रहा है कि नई सिचुएशन ऐसी नहीं है, यहां पे बैठना ही है, फिर जैसे वो नेबर की मैं बात बता रही हूँ, नेबर ने कुछ ऐसे कह दिया कि हाँ भाई कब शादी करो, वो चीज़ बहुत इरिटेटिंग है, मतलब वो बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती सुननी, इतना गुस्सा आता है इस बात को सुनकर, तो एकदम से बजाय कुछ कहने के, रिएक्ट करने के, टॉपिक चेंज कर दो। जैसे कि वो लड़की, जिस लड़की को वो बोल रही हैं शादी के बारे में, तो बोले आंटी आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आप अलग ही ग्लो कर रहे हो, मतलब चमक रहे हो, मतलब बिल्कुल टॉपिक ही चेंज कर दें। उससे क्या होगा कि एकदम से वो दूसरे टॉपिक पे आ जाएगी और फिर आपके पास अच्छा मौका होगा वहाँ से जाने का, या कुछ भी ऐसा, मतलब कहने का मतलब ये है। देखिए, बहुत बहुत बार मन में आता है कि हम क्यों चुप रहे हैं, वो अगर बदतमीजी से बात कर रहा है, वो अगर हमें इरिटेट कर रहा है, वो अगर हमें गुस्सा दिला रहा है, तो हम शांत किस ले रहे हैं। ये हमारी अपनी अपनी भलाई के लिए है, मतलब हम अगर शांत रहेंगे तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। हमें इस चीज को, मतलब आप सोचिए, आप थोड़ा सा कि वही जो लॉन्ग टर्म वाली बात की थी वो सोचिए कि हमने उस समय बोल दिया, फिर बाद में इसका क्या रिजल्ट होगा, ये चीज हमें बहुत सोचने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि जो लोग बहुत अनोइंग हैं या बहुत इरिटेटिंग हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं, वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, या तो वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, या हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, या हमारे ऑफिस में, मतलब बिल्कुल साथ काम करने वाला है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें खुल के बात करनी चाहिए कि ये जो बात हुई, देखिए जब हम बात कर रहे हैं ना तो भी बहुत कूलली, पेशेंटली, बिल्कुल संयम से बात करनी है। ऐसे नहीं कि तुमने उस दिन बोल दिया था, तुम्हें तो बिल्कुल अकल नहीं है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुमको तो मैं दिखा दूंगी, इस तरह से रिएक्ट नहीं करना, बिल्कुल आराम से कि उस दिन वो बात हुई थी ना, वो चीज़ मुझे बहुत पिंच हुई थी, मुझे बहुत दुख हुआ था, मतलब खुल के आराम से बैठ के पूरा टाइम लेके बैठो कि मुझे आपसे बात करनी है, और उनसे बात करो, और खुल के बात करनी है, और सॉल्यूशन भी निकालना है इस बात का कि ये बात दोबारा ना हो। जैसे मान लीजिए कि नेबर हैं, वो उनसे हम बिगाड़ भी नहीं सकते, उनसे बना के भी रखनी है, पर वो हमेशा इरिटेट करती हैं, जब भी मतलब पूछेंगी, पर्सनल बातें पूछेंगी, तो तुम्हारी जॉब लगी है, उसकी सैलरी कितनी है, मतलब इस तरह की बातें करती हैं कि उससे ना बहुत बुरा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, मतलब हम नहीं उसको बताना चाह रहे पर हम उससे बिगाड़ना भी नहीं चाह रहे। फिर खुल के बात करनी है और उनको बताना है कि इस तरह की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, आप प्लीज़ इस तरह की बातें मत कीजिए। हो सकता है कि उनको ये महसूस ही ना हुआ हो कि मैं जो इस तरह की बात करती हूँ ये उनको पिंच भी हो सकती है,
तो वो संभल जाएं, या तो वो ठीक है कि हाँ आगे से नहीं करूंगी, पर अगर वो इस तरह की बातें फिर भी कर रही हैं, मतलब सारी बात खुल के हो गई, उन्होंने बोल भी दिया और वो फिर भी इस तरह की बातें किए जा रही हैं, फिर उनसे ना दूरी बना के रखनी चाहिए। मतलब जैसे ब्रेकअप होता है ना, वो कर लेना चाहिए कि बस ठीक है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मतलब हम सुबह से शाम तक कुड़ते रहेंगे, गुस्सा होते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, जो हम काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, उसका क्या फायदा हुआ फिर? फिर तो ये अच्छा है ना कि बस कह के, मतलब उनको जता के हमने हमेशा के लिए उनसे दोस्ती खत्म कर ली। ये बिल्कुल एंड सिचुएशन है, कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम इग्नोर करें, ज़्यादा ध्यान मत दें, और जब आमना सामना ही नहीं होगा फिर ज़्यादा बातें भी नहीं होंगी। पर अगर वो समझ ही नहीं रहे, फिर हमें ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा। ये सबके बेटरमेंट के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए भी है और उनके बेटरमेंट के लिए भी है। तो ये तो थी कुछ बातें। वैसे ना एक बात तो है, लाइफ में ना हमें किसी को ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमें खुशियाँ देंगे, और जो अच्छे नहीं होते वो हमें सबक भी तो दे के जाएंगे, एक तजुर्बा भी तो हमें मिलेगा। और लोगों की बातों का तो देखिए बुरा मानना ही नहीं चाहिए, बुरा ही नहीं मानना चाहिए। कैसे कि जब लोग, जैसे मान लीजिए अमरूद खरीदने गए, तो पूछते हैं ना, क्यों भैया मीठे हैं ना अमरूद, बढ़िया है ना, मीठा मीठा चाहिए। और जब उसको ले आते हैं, जब उसको खाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, नमक लगा के खाते हैं। तो जरूर सोचिएगा इस बारे में। वैसे आप क्या सोचते हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं, बहुत अनॉइंग, बहुत इरिटेटिंग, उनसे किस तरह से डील करें? या आपके सामने कभी ऐसा हुआ, इस तरह के लोग मिले, तो आपने किस तरह से और क्या क्या किया, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक,